बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में मौजूद हैं, जहां पर दो रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। तीन परियोजनाओं की उन्होंने घोषणा की है। सारे गीले सिक्वे पिघल गए। मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं आपके प्यार के लिए। लेकिन आप जानते हैं, जब नई जिम्मेवारी मिलती है, नए नए काम को सीखना होता है, समझना होता है, तो फिर लगता है चलो अभी अपनों में तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो भी चलेगा, कि यहां तो बहुत कुछ रहा हूं। और इसलिए स्वाभाविक भी था कि और काम करते 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 फिर आज आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। और मंडी में आए, सेपू बड़ी की तो याद आ गई कि और बिना झोल को काम चलेगा कैसे। लेकिन अब तो उससे भी नाता छूट गया है, लेकिन टेस्ट ऑफ मंडी अभी भी बरकरार है। हिमाचल दशहरे के लिए मशहूर है। कुल्लू का दशहरा तो देश भर के लोगों के कभी मन में रहता है कि कभी न कभी कुल्लू के दशहरा देखने के लिए चले जाएंगे। और कल ही रघुनाथ जी महाराज मंदिर वापस लौट गए हैं, बहुत हंसी खुशी के साथ, बड़ी भक्ति भाव से देवताओं का आगमन और विदाई, उसमें आप रोमांच थे। वो भी एक शक्ति का स्रोत है। और आज हिमाचल की धरती से देश को भी एक नई ऊर्जा शक्ति का स्रोत का लाभ मिल रहा है। और उसी निमित्त आज मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। एक साथ तीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके लोकार्पण करने का आज ये अवसर मिला है मुझे। और ये भी बड़ा कोइंसिडेंट कहिए, सौभाग्य कहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, और जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था उसमें एक संगठन के प्रभारी के रूप में मैं भी मौजूद था। वो शिलान्यास हुआ तब कहां सोचा था कि उसके लोकार्पण के लिए कभी मुझे यहां आने का अवसर आएगा। लेकिन ये सुभग संयोग है कि आज मुझे आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत अटल जी ने जिस कार्य को आरंभ किया था, और अटल जी को हिमाचलवासी कभी बाहर के नहीं मानते थे, वो हमेशा मानते थे अटल जी तो हिमाचल के हैं। और अटल जी भी हमेशा मानते थे कि मेरा अगर कोई दूसरा घर है तो हिमाचल है। और इसलिए आज जब इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं, तब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की दीर्घ दृष्टि को भी नमन करता हूं, उनका फार साइटनेस को भी वंदन करता हूं कि जो हिमाचल के पूरे आर्थिक जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ऊर्जा की अपनी इतनी ताकत है, किसी एक माध्यम से भी हिमाचल हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का सामर्थ्य रखता है। आज